हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है एक होम थिएटर रिपेयरिंग का, जो कि पटना से हमने मंगाया कुरियर के द्वारा, और एक जो यूट्यूब के थ्रू ही आप लोग ही जिसे देख रहे हैं, तो इसे वीडियो देख के ही एक कस्टमर मुझे बनाने के लिए दिया है। होम थिएटर जो है उसका रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो आज इस वीडियो में उसी होम थिएटर को रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा, और आप भी अपने घर में इजिली इसको रिपेयरिंग कर पाएंगे अगर मैं जैसा बता रहा हूँ अगर वैसा करेंगे तो। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में कुछ फंस जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो इस चीज़ के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ऐसा प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाए। ऐसा प्रॉब्लम का वीडियो यूट्यूब पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा फ्रेंड। सॉन्ग फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, एक छोटा सा इंट्रो बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, इस होम थिएटर का सर्किट बोर्ड जो है, पावर सप्लाई, SMPS पावर सप्लाई जो इसका ख़राब हो गया है, ये मुझे पटना से आया हुआ एक फ्रेंड या व्यूअर ही बोल सकते हैं यूट्यूब का, तो जो वीडियो देखने वाले थे कस्टमर ही हमारा है जो कि पटना से आया हुआ है, और इसने रिपेयर करने के लिए भेजा, वो रिपेयर नहीं कर पाया, जो कि पटना से ही हमारा ये आया हुआ फ्रेंड, और इसको रिपेयर करके दूंगा और इजीली वो इसको असेंबल कर पाएंगे, लेकिन इसको रिपेयरिंग करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। तो आपके लिए भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इजीली आप हमको पीछे भी सर्किट बोर्ड में प्रॉब्लम होती है तो भेज सकते हैं। हमारा जो कुरियर सर्विस जो अवेलेबल है, मैं आपको वहाँ से पिकअप करवा लूँगा फ्रेंड, लेकिन आपको पैकिंग करवाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले सर्किट डायग्राम को समझ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, होम थिएटर का जो बोर्ड है SMPS पावर सप्लाई वाला, और इससे SMPS पावर सप्लाई में होता क्या है कि कभी कभी पावर सप्लाई हाई वोल्टेज के कारण उड़ जाता है, और मार्केट में आपका जो है प्रॉब्लम जो होता है ये कि मार्केट में IC मिल नहीं पाती है, और कुछ कुछ और भी प्रॉब्लम होने के कारण से अगर आप इस SMPS पावर सप्लाई को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसके जगह में कोई भी समाधान आपके पास नहीं है। एक अंतिम समाधान होता था कि ट्रांसफार्मर यूज कर लेते थे और काम करता था, लेकिन उसमें भी ट्रांसफार्मर जो है होम थिएटर में कहीं भी लगाने में दिक्कत होती थी और होम थिएटर भी भारी हो जाते थे। वो भी ट्रिक का हमारा जो है चैनल पे अगर वीडियो चेक करेंगे तो वो भी वीडियो बना हुआ है, और हो सकता है कि मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा अगर कॉमेंट करिएगा तो। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा इस SMPS को ही रिपेयर करने के बारे में बताऊँगा, जो कि एक फ्रेंड ने फ्रेंड का ही होम थिएटर है जो कि दूर से आया हुआ, लगभग 10-15 किलोमीटर दूर, वहाँ से मुझे बनाने के लिए भेजा हुआ है, और वो आज नया कल वो यहाँ पर बना के मैं दूंगा, उसके बाद वो लेके जाएगा फ्रेंड। तो चलिए, इससे SMPS पावर सप्लाई को आज मैं कैसे रिपेयर किया और क्या चीज़ यूज किया हूँ जिससे कि मैं इस SMPS पावर सप्लाई को आप भी रिपेयर कर पाओगे फ्रेंड। पहले आप इस सर्किट डायग्राम को समझ लें, तो पहले आप सिंपल सा, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट डायग्राम सिंपल सा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर रहती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोयल है, यहाँ पे 1 2 3 4 तार रहती है फ्रेंड, 1 2 3 4 तार होगा, एक इस तरह का 4-5 तो तार होगा, 3 तो भी हो सकता है, और यहाँ पे बीच में ट्रांसफार्मर का जो है बीच में गैप रहती है, उसके बाद यहाँ पे 3 तार, फिर से 3 तार या 2 तार जो भी हो आपका होम थिएटर में उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे एक डंटी और एक डंटी, ये हो गया, और इसमें एक कुछ इस तरीके से कोयल रहती है फ्रेंड, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे 3 तार 4 तार जितना भी हो आपका वो होम थिएटर का जो पावर सप्लाई वो सब में काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है, इससे मॉड्यूल है एक 24 वोल्ट 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक यहाँ पे काम करेगा, ये जो पावर सप्लाई 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ही आप यूज कर पाइएगा, जो मॉड्यूल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा फ्रेंड। मॉड्यूल जो है हमारा कुछ इस तरीके से छोटा सा मॉड्यूल है, STR मॉड्यूल, इसमें 4 तार है, 1 2 3 4 तार है फ्रेंड। अब 4 तार कौन कौन सा फ्रेंड, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, यही 4 तार आपको
मॉडल में देखने को मिलेगा, जो कि आगे प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। अब फिर ये जो ट्रांसफार्मर का तार है, एक तो आपका जो है यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर होगा फ्रेंड, जिसका नेगेटिव पॉइंट में यहाँ पे आपका 300 वोल्ट के लगभग आपको देखने को मिलेगा डीसी 300 वोल्ट, और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव में ओपन है और किसी किसी में कनेक्शन किया हुआ होगा, वो किसी किसी SMPS में मुझे देखने को मिला है, लेकिन ये भी ओपन ही रहता है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है, यहाँ पे 8 टंगड़े के एक IC लगा रहेगा, 1, 2, 4 टंगड़े का, इसमें से कोई एक पॉइंट इसमें कनेक्ट होगा, या ये होने के बाद भी अगर एक और होगा जिसमें 3 टंगड़े का ट्रांजिस्टर लगा होगा, वो भी यहाँ से ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, ये IC रिमूव करेंगे या ट्रांजिस्टर रिमूव करेंगे फ्रेंड, तो कोई एक पॉइंट जो है इसमें जुड़ेगा फ्रेंड, जो कि सिंपल सा है और प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो माइनस पॉइंट है फिल्टर वाली, इस माइनस पॉइंट को इस ब्लैक वाली पॉइंट में जोड़ देना फ्रेंड, ये आपका ब्लैक वाले पॉइंट में जुड़ गया। अब इस रेड पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर वाला या IC का बेस में, जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता हूँ, इस ट्रांसफार्मर से उस पॉइंट को यहाँ पे बाईपास करेंगे और यहाँ पे रेड वाले पॉइंट में जोड़ देंगे फ्रेंड। सिंपल सा आपका दो कनेक्शन हो गया, एक यहाँ पर प्रीसेट मिलेगा जिसको वोल्टेज एडजस्ट कर पाएंगे 5 वोल्ट से 24 वोल्ट, जितना आपको चाहिए होम थिएटर के लिए फ्रेंड। अब आ गया ब्लैक और येलो, तो यहाँ पे भी फ्रेंड दो कैपेसिटर लगा होगा, एक डायोड लग के यहाँ पे एक तो शॉर्ट की डायोड का नाम होता है फ्रेंड, शॉर्ट की डायोड लगा होगा और एक यहाँ भी शॉर्ट की डायोड लगा होगा, ये उल्टा होगा फ्रेंड, ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा होगा, अगर होम थिएटर है तो ये आपका प्लस, ये माइनस होगा, और ये इधर माइनस होगा फ्रेंड और इधर प्लस होगा। तो कैपेसिटर का जो है एक्यूरेट जो है ये प्लस और ये माइनस और ये नेगेटिव पॉइंट फ्रेंड। तो सिंपल सा अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ फ्रेंड। ये ट्रांसफार्मर का 1, 2, 3 तार है, ये आपका शॉर्ट की डायोड है और ये एक शॉर्ट की डायोड है, ये दोनों है लगभग सिंपल सा। आप समझे तो सर्किट डायग्राम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इतना समझे कि आपको दो कैपेसिटर मिलेगा प्लस और नेगेटिव का फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो येलो वाली तार है ये कैपेसिटर का प्लस वाली पॉइंट में जोड़ना है, ब्लू वाली तार है वो कैपेसिटर का माइनस वाली पॉइंट में जोड़ना है। दो कैपेसिटर आपको नज़र मिलेगा फ्रेंड, तो दोनों में एक कैपेसिटर में जोड़ना है और उसके बाद इस प्रीसेट को धीरे धीरे घुमाना है। यहाँ पर पहले आपको 4 वोल्ट आपको नज़र आएगा, धीरे धीरे इसको घुमाएंगे तो 12 वोल्ट या 13 वोल्ट या 15 वोल्ट, जो आपका एक्यूरेट होम थिएटर का जो वोल्टेज होगा फ्रेंड, वो सिंपल से आप अपना कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम है और इसका डायग्राम भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख के भी आप कर पाएंगे और मैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसमें भी आप इजीली कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये सिंपल सा डायग्राम मैं आपको समझा एक्यूरेट होगा कि आप इसको समझ गए होंगे, और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। इस डायग्राम में ऐसे भी ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड, एक और है मॉड्यूल जिसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हमारे पास वो नहीं है। और ये जो मॉड्यूल है फ्रेंड LED TV में यूज होता है, लेकिन मैं इसको होम थिएटर में यूज कर रहा हूँ बहुत दिनों से और अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम शिकायत नहीं आया है। तो आप भी इस मॉड्यूल को यूज करके अपना होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड रियल प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इस होम थिएटर बोर्ड में इस मॉड्यूल को लगाएंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये हमारा मॉड्यूल काम करेगा 5 से 24 वोल्ट के अंदर। तो हमारा पास जो भी होम थिएटर सर्किट बोर्ड है ऐसा वाले, उसमें इस ऐसा प्रॉब्लम हो तो इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे 4 वायर आपको देखने को मिलेगा इस मॉड्यूल में, और इजीली यहाँ पे कहाँ कहाँ से कनेक्शन करने और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस PCB में, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मेन IC जो लगी होगी पावर सप्लाई के पास, उस IC को रिमूव कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पावर दे के देखेंगे, लगभग यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर में 300 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो है ब्रिज रेक्टिफायर ये जो दिख रही है ये भी ख़राब है,
ये यहाँ पर लाइन दे रहे तो शॉर्टेज आ रहा है, और यहाँ पर जो भी फ्यूज का कनेक्शन है वो बार बार कट जा रही है, तो इस डायोड को चेंज करना होगा और यहाँ पर एक अलग से ब्रिज रेक्टिफायर बना के लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर ये डायोड नहीं है तो बिजली ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में नेट में सर्च करें या हमारे इस रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको चार डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना के यहाँ पर लगाना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, कौन सा डायोड को हम यहाँ पर लगाएंगे इसके बारे में आज दिखाते हैं वीडियो में, और देखते हैं क्या जो प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण ये, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम आया है इस SMPS पावर सप्लाई में। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो देखिए हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप है कुछ इस तरीके से है, और फ्रेंड देखिए शॉर्टेज बता रही है, तो इसको यहाँ पे इसी चीज़ को देखना होगा फ्रेंड। हमारा जो है शॉर्ट बता रही है यहाँ पे, तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए सीरीज टेस्ट लैंप में, अगर चेक करेंगे तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में अगर नहीं पता है फ्रेंड तो हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, बहुत ही पुराना वीडियो है। अगर आपका रिक्वेस्ट आई तो मैं एक नया वीडियो और बना दूँगा सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में, जिससे कि इजीली आप रिपेयरिंग कर पाओगे फ्रेंड। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ जो कि बाकी कंटिन्यूटी चीज़ है, जो कि फ्यूज की तरह काम करता है। यहाँ पर 300-250 वोल्ट इस डायोड के पास पहुंचती है। यहाँ पर छोटी मोटी ये सब कोयल लगी हुई, कोयल जो इंडक्टन का काम करता है, जो कोयल लगा हुआ, तो ये सारे फ्यूज का माध्यम से ही तरह ही था, लेकिन हाई वोल्टेज के आने के कारण यहाँ पर जो भी कोयल है वो डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर बाईपास करके यहाँ पर AC करंट को इस डायोड के पास लेकर जाना होगा, उसके बाद जो है आपको 300 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा ये फिल्टर वाले कैपेसिटर के पास। तो चलिए पहले इस डायोड को रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ पर न्यू डायोड, कोई अलग टाइप का डायोड, ये सेम डायोड अगर नहीं मिलता मार्केट में तो यहाँ पर कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर यूज कर पाएंगे फ्रेंड। तो हमारे पास ये है इंडक्शन का ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि 40 रुपये के आसपास मिल जाती है मार्केट में। तो हमने सोचा कि इसी डायोड को यूज कर लेते हैं, तो इसमें कितना भी हाई वोल्टेज आ जाए कभी ख़राब पर नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे माइनस प्लस देखते हुए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और AC वाले में AC का निशान दिया ही होगा, तो माइनस प्लस को देख के यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर में माइनस प्लस को देख के यहाँ पर कनेक्शन करना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे माइनस को माइनस में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्शन कर देते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर को, ताकि यहाँ से सही से वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर को पहुँच पाए तभी जाके आपका जो पावर सप्लाई इजीली वर्क करेगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे दो वायर को AC करंट का जो पॉइंट है कोयल के इंडक्टर कोयल के थ्रू जो आया हुआ है उसके पास से ये दो वायर को कनेक्ट कर देंगे, कि यहाँ पे सेम ब्रिज रेक्टिफायर मुझे मिला नहीं है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली वायर की मदद से सोल्डरिंग कर देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड एक वायर को और कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे फ्रेंड इस मेन कैपेसिटर जो बड़ी वाली है वहाँ पर 300 वोल्ट बन रही कि नहीं। अगर 300 वोल्ट नहीं बन पा रही है तो फिर दिक्कत है, 300 वोल्ट बनना ही चाहिए तभी जाके आपका जो ट्रिक है काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे पास मल्टीमीटर है, और इस मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो पॉइंट को जोड़ लेते हैं जो कि यहाँ पे AC पावर देंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे AC की वायर को जोड़ लेते हैं, यहाँ से नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ से जोड़ लेते हैं, बाकी सब बाद में बाईपास यहाँ पर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं डायरेक्टली चेक करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर में कितना वोल्टेज आ रहा है, अभी आपको मैं चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड। ये देखिए 350-350 के आसपास वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए हमारे पास ये मॉड्यूल है 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर जो माइनस वाला पॉइंट है जो फ्रेंड, और यहाँ पर एक प्रीसेट दिया हुआ है, सारे चीज़ का कार्य इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए आप जोड़ने से पहले इस कैपेसिटर का वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लें, नहीं तो बहुत ही भयानक झटका खाने वाले हैं आप, तो बच कर रहिएगा इस कैपेसिटर से। और चलिए नेगेटिव वाली पॉइंट में यहाँ पर जोड़ेंगे, नेगेटिव पॉइंट को जो है कैपेसिटर का,
तो चलिए नेगेटिव पॉइंट में जोड़ लिया। और इस पॉजिटिव वाला को आईसी का पिन में कोई एक पिन में जोड़ेंगे, आईसी का कोई एक पिन में जो ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई हो फ्रेंड। तो चलिए उस पॉइंट में जोड़ लेते हैं पॉजिटिव वायर को। सिंपल सा कनेक्शन है फ्रेंड, डायग्राम में जैसा समझाया, डायग्राम में नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल में समझ लीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर एक और हुआ बड़ी वाली जिसमें 12 वोल्ट एक्यूरेट जाए जो ट्रांसफार्मर से, तो वहाँ पे आपको ब्लू वाले तार को नेगेटिव उस कैपेसिटर का नेगेटिव वाला पॉइंट में कनेक्शन करना फ्रेंड। और किसी किसी में 12012 हो तो दो कैपेसिटर होता सेम साइज में, तो किसी एक कैपेसिटर में जुड़ेगा, उसका भी वीडियो हमारा जो है बना हुआ फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव वाला पॉइंट में जोड़ देते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। अगर 12012 वाला बड़ी वाले 20-30 आईसी वाले होम थिएटर है SMPS पावर सप्लाई वाला, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर भी इस वीडियो को देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर स्पीकर के वायर को जोड़ लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसकी होम थिएटर के वोल्टेज क्या रहना चाहिए और क्या नहीं उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। और लगभग 12 वोल्ट से नीचे कहीं एवरेज में आपको चेक करना है होम थिएटर वर्क कर रहा है कि नहीं, कितना वोल्टेज की ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पे 12 से 13 या 9 वोल्ट से लेकर 12 से 13 वोल्ट तक ही ये सब बोर्ड में ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड, तो ही आपका बोर्ड का कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं आएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉन्टेक्ट बहुत कोई करते हैं फ्रेंड, लेकिन बात है कि आपका जो है साइज वो बड़ी होने की वजह से प्रॉब्लम होती है कुरियर का। लेकिन देखिए फ्रेंड फिलहाल यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट आ रही है, ये क्रेट पहले की वोल्टेज 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे प्रीसेट को घुमाएंगे और आपका जो वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्रीसेट को धीरे धीरे घुमाएंगे और आपका जो वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं एक बात बता रहा था जिससे कि बहुत कोई है कि जिसका होम थिएटर बहुत ही बड़ा है और पैकिंग करके यहाँ पे भेजने में असमर्थ रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसका PCB भेज दें तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर किया जा सकता है फ्रेंड, लेकिन वो भी मुश्किल है। तो आप अपना अगल बगल का कॉन्टेक्ट करें मिस्त्री को जो इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे हमारा वीडियो को भी देख के, तो हो सकता है कि आपको उसको पता हो पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, लेकिन मैं सभी का प्रॉब्लम को जाकर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट एक्यूरेट में सेट किया हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा काम कर रहा है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड आगे वीडियो में दिखाते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज होना चाहिए एक्यूरेट इस होम थिएटर बोर्ड के लिए, जो कि कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिल ही जाता है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे स्पीकर हमारा जो है काम कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हमारा जो 100% स्पीकर काम कर रही है, मतलब ये काम करेगा। हमारे पास इसका होम थिएटर डब्बा ये सब सारी चीज़ हमारे पास नहीं है, वो कस्टमर के पास है जो वहाँ से भेजे थे। तो देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट का एक्यूरेट ज़रूरत था फ्रेंड यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज आ रही है यहाँ, 5 वोल्ट तो ठीक है, यहाँ पर 13 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर 9 वोल्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज कम करेंगे कि यहाँ पर 9 वोल्ट आ जाए, तो यहाँ पर 9 वोल्ट वाला ये जो होम थिएटर बोर्ड है 9 वोल्ट का है, लेकिन 1-2 वोल्ट ओवर होने से आपका बोर्ड ख़राब नहीं हो जाएगा, जल्दी से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे 9 वोल्ट है, अगर है तो 9 वोल्ट में एक्यूरेट सेट करेंगे ताकि सभी जगह पे सही वोल्टेज जा सके फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। और जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड।